हेलो बच्चों, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम सेकेंड वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताएंगे। पर उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मोल कंसेप्ट की कोई नॉलेज नहीं है तो ये वाला वीडियो मोल कंसेप्ट का 6 मिनट्स में आप देख सकते हैं, जल्दी जल्दी कंसेप्ट खत्म करने के लिए। अगर आप डिटेल में मोल कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो आप ये वाला ले लीजिए, मोल कंसेप्ट इन 40 मिनट्स। आप गूगल पे जाइएगा, टाइप करिएगा मोल कंसेप्ट इन 40 मिनट्स फिजिक्स वाला और सर्च मार दीजिएगा, ये वीडियो आ जाएगा। अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला की नॉलेज नहीं है तो मोल कंसेप्ट, मॉलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला फिजिक्स वाला गूगल सर्च या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको स्टोइकोमेट्रिक यानी इक्वेशंस में मोल कंसेप्ट लगाना सीखना है तो फिर से ये वाला वीडियो, जिसमें मोल कंसेप्ट एप्लीकेशन इन केमिकल इक्वेशन स्टोइकोमेट्री, मोल कंसेप्ट स्टोइकोमेट्री फिजिक्स वाला लिख के सर्च करिएगा, मिल जाएगा। ये सारे वीडियोस देखने के बाद इस वीडियो पे आएंगे तो बेटर रहेगा। कई लोग डर गए, इतने ढेर सारे वीडियो, कोई बात नहीं, आप सिर्फ पहला वाला वीडियो मोल कंसेप्ट इन 6 मिनट फिजिक्स वाला इतना कम से कम देख लीजिए, फिर यहां पर आइए। तो आज बच्चों जो हमें पढ़ना है वो पढ़ने हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स बच्चों यूज होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये बताने के लिए कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन दो चीज से बना होता है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो उसके अंदर कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, ये चीज डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो हमारे पास कई कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे हमारे पास पहला कंसंट्रेशन टर्म होगा वेट बाई वेट परसेंटेज, दूसरा हमारे पास वह होगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा है हमारे पास वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स पर बिलियन, ppm पढ़ते हैं इसको, इसको ppb पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मोल फ्रैक्शन, ये सारे वो टर्म्स हैं जिससे हम बता सकते हैं कि कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर है या सॉल्वेंट के अंदर है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारे पास वो है मोलैरिटी, अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हमारे पास मोलैलिटी, ला मोलैलिटी मोलैरिटी, और नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास नॉर्मैलिटी। ठीक है, तो ले देके हमें इतने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सारे कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबको पता है सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो। अच्छा बच्चों, ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी चीज सॉल्यूट बनेगी और कौन सी चीज सॉल्वेंट बनेगी? ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर होगा कि जो भी मोर इन अमाउंट होगा, विच इज मोर इन अमाउंट, दैट विल बिकम सॉल्वेंट, और जो भी लेस इन अमाउंट होगा वो बन जाएगा सॉल्यूट। चलिए आप मुझे ये बताइए, मेरे पास 98 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और मेरे पास 54 ग्राम वाटर है, 98 ग्राम H2SO4, 54 ग्राम वाटर। अब बताओ इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा, इस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट कौन होगा? तो यहां पे ज्यादा अमाउंट में कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये एक मिस्टेक सारे बच्चे कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों, ये तो ज्यादा अमाउंट में है। तो बच्चों अमाउंट ऐसे नहीं चेक करना, अमाउंट चेक करना है आपको नंबर ऑफ मोल्स में। अब इसीलिए मैं कह रहा था नंबर ऑफ मोल्स का वीडियो देख लीजिए। चलिए मैं आपको शॉर्ट में फॉर्मूला बताता हूं नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मास गिवन कितना है यहां पे, 98 डिवाइड बाई सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 1, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 प्लस 32 और 16 इंटू 4 64, तो देखो ये कितना हो गया 98, और ये भी कितना है 98, इसको जोड़ लो 34 64 98 अपॉन 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल हैं, 1 मोल है। और वाटर के मोल निकालें, फॉर्मूला क्या है, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मास कितना गिवन है, 54 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वाटर का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो गया 18, 54 डिवाइड बाई 18 आंसर आएगा 3। तो
तो वाटर के कितने मोल हैं? 3 मोल। अब मेरे को बताओ किसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं? तो आप देख रहे हो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, इसलिए यहां पे सॉल्वेंट कौन है? वाटर। वाटर इज द सॉल्वेंट। तो ये जो मोर इन अमाउंट वाली बात थी, ये मोर इन अमाउंट आप किसके टर्म्स में चेक करोगे? मोल्स के टर्म्स में। ठीक है, ये नहीं कि ग्राम देख लिया, लीटर देख लिया, वॉल्यूम देख लिया या मास, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स, और तब डिसाइड करोगे कौन सल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सल्यूट सॉल्वेंट मिलके सल्यूशन बनता है, और सल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ये सारी चीजें हमें बताती हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये 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 और ये कंप्लीट करेंगे मोल फ्रैक्शन तक, और अगले वीडियो लेक्चर में मोलैरिटी मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना फालतू की बात किए। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? मैं कैसा हूँ? बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ। दिन के इस टाइम समय हो चुके हैं 6:30 और मैं बना रहा हूँ केमिस्ट्री का आपका वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यार पहला जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो है वेट बाई वेट परसेंटेज। अब ये क्या बताता है हमको? हम एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% और ब्रैकेट में लिख दिया वेट बाई वेट। इसका मतलब हुआ 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाई वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट और यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूशन। 5% NaCl का मतलब हुआ 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर आपको निकालना हो वेट बाय वेट परसेंटेज तो कैसे निकालेंगे? ऊपर रख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, जैसे आइए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 10 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। तो वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट कौन है? सुक्रोज, तो हमने लिख लिया 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का कितना मास होगा? 100 नहीं, 110। देखो ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है और दोनों को मिला देंगे तब क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो जीरो ने जीरो को मारा तो 1/11 या 100/11, तो 11 9s are 99, 10, 0, 100, 11 9s are 99, 9.09% वेट बाई वेट। समझ में आ गया होगा? ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। यहाँ फिजिक्स का फील मत लेने लगना कि वेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। तो वेट बाई वेट परसेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो वेट बाय वेट परसेंट का ही एक दूसरा सवाल देखो। क्वेश्चन क्वेश्चन 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, या NaCl ले लो, NaCl इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। आइए निकालें। तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, फॉर्मूला क्या लगेगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो कितना सॉल्यूट है, NaCl कितना है, 10 ग्राम, ये सॉल्यूट हो गया, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस बार मास ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। बच्चों देखो एक इंफॉर्मेशन और है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी ले लेंगे किसकी, सॉल्यूशन की, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। भाई डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी कितनी दी है, 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 100 ml, ml ने ml को मार दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, जीरो से जीरो मन गया, 100 बाई 12, तो इसको हम 4 से काट दें, 4 25 4 3 3 8 24, 10 बचा, 3 3 9 3 3 9, 8.33%। तो जब डेंसिटी वाली चीज़ दे और मास की जगह वॉल्यूम दे दे, तो ऐसे काम करना है। अब ये जो चीज़ आपको पढ़ाई, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे ये चीज़ बहुत काम आने वाली है, कि सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दिया, मास दे दिया, वॉल्यूम पे पहुँचे, डेंसिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, मास पे पहुँचे। चलिए, तो आपको वेट बाई वेट परसेंटेज तो क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब बच्चों हम नेक्स्ट टर्म पढ़ लेते हैं, विच इज़ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। एग्जाम्पल से समझाते हैं, मान लीजिए हमसे बोलता है ए HCl aqueous solution is 7% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी 7 ml HCl aqueous बोला तो किसमें सोल्यूशन होगा, वाटर में, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जब वेट बाई वेट था तो इतना ग्राम इन 100 ग्राम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो इतना ml इन 100 ml। फॉर्मूला बोलिए इसका अपने आप, अब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100 बन जाएगा। जैसे वेट बाई वेट था, वहां मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मीनिंग भी समझा दी मैंने आपको कि इसकी मीनिंग क्या है, बता दी कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक तीसरा टर्म है बच्चों, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ज्यादातर सवाल वेट बाई वेट से मिलेंगे या वेट बाई वॉल्यूम से मिलेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से सवाल बहुत कम आएगा, आ सकता है, मना नहीं कर रहा, बट वेट बाई वेट और वेट बाई वॉल्यूम सबसे ज्यादा मिलेगा। अब वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दिया है अ सुगर सॉल्यूशन इज 3% वेट बाई वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, अब की बात देखो, पहले वेट है बाद में वॉल्यूम है, मतलब 3 ग्राम वेट बाई वॉल्यूम, तो 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट कौन है, सुगर, इज प्रेजेंट इन, अब क्या है वॉल्यूम, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वेट बाई वेट होता तो हम बोलते 3 ग्राम इन 100 ग्राम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता हम बोलते 3 ml इन 100 ml, वेट बाई वॉल्यूम है तो पहले वेट लिखा 3 ग्राम इन 100 ml। फॉर्मूला बता सकते हैं इसका, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहां तो वेट है, और नीचे क्या है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर ये वेट बाई वेट परसेंट होता तब क्या लिखते, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 200, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200, वेट बाई वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200, तीनों काफी सिमिलर हैं। तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी कंसेंट्रेशन टर्म्स की। तो आइए इसका एक बढ़िया सा सवाल ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक सवाल आ गया कि एक सुगर सॉल्यूशन है, अ सुगर सॉल्यूशन
इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखो हमसे पूछी क्या चीज है, पहले ये देख लो, हमसे पूछा है वेट बाय वेट परसेंटेज, तो जो चीज पूछी है उसको इधर बना लेते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब दिया क्या है, अ सुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, 10% वेट बाय वॉल्यूम, यहां वेट है मतलब सॉल्यूट 10 ग्राम और सॉल्यूशन कितना 100 ml, तो हम बोलेंगे 10 ग्राम सुगर जो कि हमारा सॉल्यूट है किसमें 100 ml सॉल्यूशन में है। तो यार मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें मिल गया 10 ग्राम, अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, हमें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, पर देखो हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखी है, तो हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डेंसिटी का यूज आपको समझना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, ये हमने माना है 100 ml, तो ml ने ml को मारा कितना हो जाएगा 125 ग्राम, यहाँ पर रख दिया 125 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कैंसिल, 25 से काट दो, 25 5 25 4 5 1 5 5 2 10 2 4 8, सो द आंसर इज 8% वेट बाई वेट। तो वेट बाई वॉल्यूम से वेट बाई वेट पहुँचने का ये तरीका था, क्या किया डेंसिटी का इस्तेमाल कर लिया और काम बन गया। अच्छा इसका जस्ट उल्टा सवाल हो, मान लो जस्ट रिवर्स सवाल हो, जैसे मान लो इसी सवाल में हम बोल दें अ सुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज जो भी है लेट इट बी 1.2, थोड़ा चेंज कर दिया। इस बार क्या दे रखा है, वेट बाय वेट दे रखा है और क्या पूछा है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इधर आ जाओ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये लिखा हुआ है सुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट, मतलब 10 ग्राम सुगर, वेट लिखा है तो यहां पे 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 10 ग्राम सुगर प्रेजेंट है यहां पे, सॉरी क्या होगा वेट बाय वॉल्यूम है तो यहां पे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना, वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। हाँ अच्छा वापस, 10 ग्राम सुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब सुगर हमें पता है 10 ग्राम रख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, हमें क्या पता है मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है मास बटे वॉल्यूम, यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बटे डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.2, ये आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, यहां रख दो 100 बटे 1.2 ml मल्टीप्लाइड बाई 100, बोल सकते हैं 100 से 100 मर गया, 1.2 ऊपर गया, 10 से मल्टीप्लाई हुआ कितना आया 12% हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम। तो इस तरह से आप वेट बाय वेट से वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट पे स्विच कर सकते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेते हैं इस तरह का, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टाइप की कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगले टर्म पे चलेंगे। अगले सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल, अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 5% वेट बाय वेट
फाइंड द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में दिया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.4 ग्राम पर ml. सबसे पहले देखो कि निकालनी क्या चीज है, वरना इधर उधर की इंफॉर्मेशन लेके फायदा क्या. तो निकालना क्या है, फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. और दिया क्या, सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वेट बाय वेट. अगर वेट बाय वेट का हम फॉर्मूला लिखें तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेट बाय वेट है, मल्टीप्लाइड बाय 100. ये 5% दे रखा है. मास ऑफ सॉल्यूट, फाइंड द मास ऑफ HNO3 नहीं पता, उसको x मान लिया, यही तो फाइंड करना है. फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन, मास ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन का मास ना देखें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दी है. तो क्या आप सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है. बिल्कुल, मास का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1.4, वॉल्यूम 100, तो मास आ गया 140 ग्राम. यहाँ रख देंगे 140 मल्टीप्लाइड बाई 100, और यहाँ से एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 से 0 मर जाएगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 ग्राम. तो कितना HNO3 है 100 ml में, 7 ग्राम HNO3 है. तो ये बच्चों कुछ सवाल थे जिसमें डेंसिटी का इस्तेमाल किस तरह से करना ये मैंने आपको बताया. चलते हैं अगले कंसंट्रेशन टर्म की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि है मोल फ्रैक्शन. चलिए अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की. तो हमारा फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म जो हम ले रहे हैं वो है मोल फ्रैक्शन. ठीक है, मोल फ्रैक्शन. अब बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, या दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं. हो सकता हो दो सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, तीन सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट कई हो सकते हैं, ए और बी. मान लीजिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स दोनों के दिए हैं, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना थोड़ा बहुत तो अब तक आ गया होगा. मान लीजिए ए के मोल्स दिए हैं 1 और बी के मोल्स दिए हैं 3, ऐसे अज्यूम कर लिया. तो ए के मोल का फ्रैक्शन कितना हुआ, ए का मोल कितना है 1, टोटल मोल कितने हैं 4, 1/4. बी के मोल का फ्रैक्शन कितना हुआ, बी के मोल है 3, टोटल मोल्स कितने हैं 4, 3/4. इस चीज को बच्चों हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन. यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. मान लो तीन कंपोनेंट हो ए बी सी, ए के मोल्स हैं मान लो एन ए, बी के मोल्स हैं एन बी, सी के मोल्स हैं एन सी. अब मैं पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस बार क्या करोगे, ऊपर लिख लोगे ए के मोल्स, नीचे ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स प्लस सी के मोल्स. मतलब नीचे हमें क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ऊपर उस पर्टिकुलर चीज के मोल. देखो ऊपर उसका मोल, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो पता चल जाएगा कि टोटल मोल का इसका मोल कितना फ्रैक्शन है. टोटल मोल कितने हैं 4, इसका मोल कितना है 1, तो ये कितना फ्रैक्शन है 1/4. जैसे हम बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ऊपर आ जाएगा एन बी, नीचे एन ए एन बी एन सी. मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो ऊपर मोल्स ऑफ सी, नीचे एन ए एन बी और एन सी. अब मोल फ्रैक्शन के लिए केमिस्ट्री में एक सिंबल बनाया, ये इसको बोलते हैं जीटा. जीटा हम लिखते हैं जीटा ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. एक सिंबल और है ये लंबा सा, एन को खींच दिया, इसको बोलते हैं ईटा. ईटा ऑफ ए,
मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एयर। तो ज़्यादातर किताबों में जीटा यूज़ होता है, कई किताबों में ईटा भी यूज़ होता है। तो दोनों सिंबल जान लो, ये सिंबल किसका है, मोल फ्रैक्शन का, ज़्यादातर ये मिलेगा आपको। तो जैसे हम आपसे पूछें बच्चों कि आप हमें जीटा ऑफ सी बताओ कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो ऊपर सी के मोल्स, नीचे ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स प्लस सी के मोल, मतलब नीचे आपको क्या रखना है, टोटल मोल्स, और ऊपर उस पर्टिकुलर के नंबर ऑफ मोल्स, इससे मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। चलिए सवाल करते हैं और जानते हैं मोल फ्रैक्शन को अंदर तक। आइए, तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया कि मेरे पास 40 ग्राम NaOH है और मेरे पास 54 ग्राम वाटर है मिक्सचर में। हमसे कहा फाइंड करिए जीटा ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, एंड जीटा ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। बच्चों ध्यान दो, अभी मास दिए हैं, पहले क्या निकालने पड़ेंगे दोनों के, नंबर ऑफ मोल्स। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। NaOH का मास कितना दिया है, 40, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो गया 24 और 16, 40, कितने मोल्स हैं, 1। तो NaOH के कितने मोल हैं मेरे पास, 1 मोल। और वाटर के मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, फॉर्मूला फिर यही लगेगा, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना मास दिया है, 54। वाटर का मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 और 2 18 थ्री ज़ा 54। तो इसके कितने मोल हैं, 3 मोल। हमसे कहा मोल फ्रैक्शन निकालो NaOH का, तो ऊपर किसके मोल्स रखें, NaOH के, नीचे टोटल मोल्स 1 और 3 4। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ऊपर वाटर के मोल 3, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 प्लस 1 4। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसकी वैल्यू है 0.25 और ये आएगी 0.75, 3/4। इन दोनों को जोड़ो तो आंसर 1 आ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1, और ये तो होना भी चाहिए, लॉजिकल बात है, क्योंकि आपने सारे फ्रैक्शंस को जोड़ दिया। भाई हमने आपसे कहा ये बिस्किट है, इसको 3 लोग में डिवाइड करो, आपने डिवाइड किया, मैंने कहा तीनों लोग ने अपना बिस्किट जोड़ दिया तो वापस एक बिस्किट बन जाएगा। तो आपने टोटल मोल्स को बांटा था सब में फ्रैक्शन बना के, जोड़ने पे वापस आंसर कितना आएगा, 1। तो किसी भी मिक्सचर में मान लो 3 कॉम्पोनेंट हैं, ए बी सी 2 कॉम्पोनेंट हैं, अगर सबके मोल फ्रैक्शन को हम जोड़ दें, जितने भी कॉम्पोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा हमेशा। जैसे यहाँ देखो, हमने NaOH का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया था 0.25, H2O का कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 1 आएगा, 1 माइनस 0.25। ठीक है, तो अगर सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो हमेशा 1 आएगा। ऑब्वियस सी बात लग रही है पर है बड़ी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज़ को नोट्स में जरूर डाल लीजिएगा कि अगर सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। जैसे एक और सवाल आपको करना हो तो आप कर लीजिए, इसी कंसेप्ट पे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो पहली लाइन बोल रही है सॉल्यूशन है 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है सबको पता होगा, C2H5OH, और किसमें है, वाटर में है। बच्चों इस लाइन का मतलब क्या हुआ, 46 वेट है ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वेट परसेंटेज है, तो इतना
ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब बच्चों ये देखो, मैंने यहां लिख लिया सॉल्यूशन, यहां लिख लिया इथाइल अल्कोहल, सिंबल में लिख लेता हूं C2H5OH, और यहां लिख लिया वाटर। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, इसमें से इथाइल अल्कोहल कितना है 46 ग्राम, तो वाटर कितना होगा भाई, वाटर और इथाइल अल्कोहल को जोड़ के ही तो सॉल्यूशन बना है, तो वाटर कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे मतलब 54 ग्राम। आइए अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इथाइल अल्कोहल का मास दे रखा है 46 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालिए इसका C2H5OH, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास यहां लिख दे रहा हूं, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 12 टू जा 24, हाइड्रोजन 5 और 1 मतलब 6, ऑक्सीजन 16, ये हो गया 46, तो इसके कितने मोल है, 1 मोल है। अब 54 ग्राम दिया ये, और इसके निकाले फॉर्मूला क्या लगाओगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास कितना दिया है 54, मॉलिक्यूलर मास वाटर का H2O, 1 इंटू 2 प्लस 16 कितना आया 18, कितना आंसर आ गया 3। अब आप इजली मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकाल सकते हैं, ऊपर इथाइल अल्कोहल के मोल रखिए कितने मोल आ रहे हैं 1, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस 3 4, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.25। यहीं आपसे कोई कहे वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो अब आसान है, आपको पता है टोटल 1 आएगा, 1 में से इसको माइनस कर दीजिए तो 0.75। तो इत्तेफाक है कि ऐसा आ रहा है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि यही आंसर बैठे, ठीक है, वैसी वैल्यूज आ जा रही हैं कि आंसर यहाँ आ रहा है। तो वेट बाई वेट परसेंट से भी मोल फ्रैक्शन तक हम पहुँच सकते थे, ठीक है, बेसिक्स आपके क्लियर हों। बच्चे क्या करते हैं, सीधा मोलैरिटी पढ़ने लगते हैं, सीधा मोलैरिटी पढ़ते हैं, तो उनसे डेंसिटी वाले सवाल अच्छे सवाल नहीं बनते, सिर्फ फॉर्मूले वाले सवाल बनते हैं। ये मैं आपका कंसेप्ट बना रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट से बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छे सवाल को भी कैसे हल कर देना। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं बचे हुए दो कंसंट्रेशन टर्म जो आज हमें डिस्कस करने हैं, एक है PPM पार्ट्स पर मिलियन और एक है PPB पार्ट्स पर बिलियन। तो आइए बात करते हैं PPM पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, मिलियन होता है बच्चों 10 to the power 6, हम सबकी इच्छा है कि हम मिलियनर बन जाएं, है ना, हमारे पास मिलियन रुपए हों, तो मिलियन रुपए का मतलब होता है 10 लाख रुपए, मतलब 10 की पावर 6, और मिलियनर डॉलर का मतलब होता है 10 लाख डॉलर, पैसे की बात है, सबकी आंखें चमक रही हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि 10 की पावर 6 पार्ट्स में कितना पार्ट सॉल्यूट है। जैसे एग्जाम्पल से ही समझाएंगे, मान लीजिए हमसे बोलता है कि मेरे पास शुगर है 2 PPM इन सॉल्यूशन, मतलब 2 ग्राम शुगर 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, जैसे हमसे बोलता 5 PPM, तो 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 की पावर 6 ग्राम में जितना भी कोई चीज होगा उसको हम ppm में एक्सप्रेस करते हैं, और ये बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म होता है, बहुत ही छोटा कंसंट्रेशन टर्म होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएं, नंबर ऑफ ppm इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6, ठीक है। जैसे हमसे सवाल एक सिंपल कर लेते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एज 8 × 10⁻⁴ ग्राम ऑक्सीजन इन
100 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसी एक एग्जांपल लिया हमने, कहीं पे ऐसा हो रहा है। हमसे कहा फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm, ppm में निकालिए, तो नंबर ऑफ ppm, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 8 × 10⁻⁴ ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10⁶, ग्राम ने ग्राम को मारा तो 8 × 10⁻⁴, 10⁶, तो 6 − 4 हो जाएगा 2 और ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा तो 10⁰, तो कितना आएगा 8 ppm आ जाएगा, ये 0 से कट जाएगा 4 और 4 0 8 ppm, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 8 parts per million। ठीक है, जैसे था एक सवाल और ले लेते हैं बच्चों कि हमसे बोला सी वाटर कंटेन्स 53 ppm ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फाइंड मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर, प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ लिया है, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है। अब अगर कहीं कुछ नहीं दिया है तो ग्लास ऑफ वाटर में हम मानते हैं कि वो 250 ml पानी कंटेन कर सकता है। पानी की डेंसिटी क्या होती है 1 g/ml, मतलब इसका मास कितना होगा 250 ग्राम। अब हमसे पूछा है इसमें कितना फाइंड मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो आप फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ ppm इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है इसमें Na2CO3, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन है इसमें वाटर, मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। नंबर ऑफ ppm इज 53, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, यही पता लगाना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 250 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। नाउ यू कैन कैलकुलेट x एंड वॉट एवर इज x, दैट इज द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक आखिरी टर्म ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चों ppb, ये है बच्चों पार्ट्स पर बिलियन, बिलियनर, बिलियन का मतलब होता है 10⁹। ठीक है, जैसे हम बोले कि मेरे पास इसी का ले लो NaCl का सॉल्यूशन है विच इज 5 ppb, 5 ppb सॉल्यूशन है NaCl का, मतलब 5 ग्राम NaCl 10⁹ ग्राम सॉल्यूशन में है। देखो बड़ा आसान है, ppm लिखा हो तो बोल देना किसमें है 10⁶ ग्राम में, और ppb लिखा हो तो 10⁹, ऑल दो ये ज़्यादा नहीं आता, ppm ज़्यादा आता है। फॉर्मूला भी इसका बना सकते हो, नंबर ऑफ ppb इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और इस बार मल्टीप्लाई किससे करोगे 10⁹। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हुए। मुझे उम्मीद है आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर तरह के न्यूमेरिकल्स में कराए, काफ़ी न्यूमेरिकल्स कराए, आपके बुक में इससे अच्छे न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगले टर्म पे हम मोलैरिटी और मोलैलिटी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।